हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। तो हम लोगों ने अभी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या क्या देख लिया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लिया था, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन देख लिया था, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन देख लिया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख लिया था, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख लिया और साथ में nth ऑर्डर रिएक्शन को भी देख लिया। ठीक है, अब हम लोग डील करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पर का सेकेंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देख लिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में, सारा बात जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट किसके अंदर आता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जहां पर कि हमने देखा था रेट इक्वल टू के ए टू द पावर एन, ये ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी ब्ला ब्ला हमने देख लिया। ठीक है, अब सेकंड बात करेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, वैसे ये सारा चीज मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर होंगे, जैसे नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट और टेम्परेचर। तो हम लोग अभी सेकेंड कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं जो कि है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो आप यहां पर देखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर कैसे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये जो रिएक्टेंट का नेचर है, अब इस पर तो डिपेंड करना ही चाहिए ना, उनका खुद का रिएक्शन का रेट क्या है, उनका खुद का नेचर क्या है। कोई मान लो रिएक्ट ज्यादा करता होगा, कोई रिएक्ट कम करता होगा, कहीं पर बॉन्ड एनर्जी कम है, कहीं पर ज्यादा है, तो इन सारे चीजों पर तो डिपेंड करेगा ही। ठीक है, ऊपर से और क्या क्या डिपेंड करेगा कि तुमने जो रिएक्टेंट लिया है उसका फेज क्या है। हो सकता है वो गैस फेज में हो सकता है वो लिक्विड फेज में हो सकता है वो सॉलिड फेज में हो। अब अगर आपने गैस मॉलिक्यूल्स का बात करा तो गैस मॉलिक्यूल्स का क्या रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा ना, उनका कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा। क्या आपने ये बात स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस स्टेट में क्लास 11 में पढ़ा था क्या, कि गैसेस मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, रेंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, वहीं गैस का सबसे ज्यादा होगा। अगर हम लिक्विड फेज की बात करें तो लिक्विड फेज में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो गैस से रिलेटिवली थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, अगर वहीं सॉलिड फेज की बात करें, यहां तो रिएक्शन हम लोग देखते भी नहीं है। ठीक है, हम लोग सोचते हैं सॉलिड फेज में रिएक्शन तो होना नहीं है। तो कुल मिला जुला के हम लोग बोल सकते हैं गैस के फेज में रिएक्शन सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड फेज में और सबसे लास्ट में सॉलिड फेज में। ठीक है, अब मान लो कोई रिएक्शन दे रखा है, जैसे मान लो ए प्लस बी मिलके मान लो सी और डी बना रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो भी रिएक्टेंट है अगर दोनों ही गैस फेज में हुए तब तो और भी कितना बढ़िया बात है, है ना। तो उस केस में रिएक्शन का पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा होगा। तो देखो यहां पर आपको पता है ना, होमोजीनियस और हेटरोजीनियस की जब बात करते हैं, मतलब अगर फेज इनमें सेम होगा तो उसको होमोजीनियस बोलेंगे, और फेज अगर अलग अलग होगा तो हेटरोजीनियस होगा। अगर मान लो ये गैस है और दोनों ही दोनों गैस है, मतलब ये सारे के सारे गैस है, तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। और उस केस में रिएक्शन तो और भी ज्यादा होना बनता है ना। तो याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन जो होमोजीनियस होगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं गैस फेज में, है ना, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू मतलब हेटरोजीनियस रिएक्शन की हम लोग अगर बात करें तो। तो यहां पर हमें बेस्ट फेज क्या देखने को मिलेगा कि वो गैस फेज में हो और साथ ही होमोजीनियस हो। ठीक है, विल डिपेंड, अब देखो और किस पे डिपेंड करेगा, अगर नेचर की बात करें तो उनका स्टेबिलिटी भी तो एक कॉन्सेप्ट है। मान लो किसी चीज का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो वो रिएक्शन तो कम करता है ना, जैसे हम लोग नोबल गैसेस के केस में देखे थे, क्योंकि वो नोबल गैस क्या थे, रिएक्टिव कम थे, इस वजह से तो उनको नोबल गैसेस बोला गया और यही वो रीजन था कि उनका स्टेबिलिटी ज्यादा था। ठीक है, तो अगर जिनका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उनका रिएक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। तो ये तो खुद का नेचर है ना कि उनका खुद का कॉन्फिगरेशन कैसा है, वो क्यों स्टेबल है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ गैस जितना ज्यादा होगा वो रिएक्ट उतना ही कम होगा ना, मोर स्टेबल, और यहां पर मैंने लिख दिया है ये लेस रिएक्टिव होंगे। तो नेचर पर कुछ ऐसे डिपेंड करेगा। अब थर्ड फैक्टर ले लो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ता है तो पक्की बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। अगर कॉन्टेक्ट में ज्यादा आएगा दो रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ना बनता है ना। अब आप ऐसे सोचो, जैसे वुड का एग्जाम्पल मैंने रियल लाइफ में लिया था। ठीक है, मान लो एक बड़ा सा ब्लॉक है वुड का, उसको हम लोग अगर मैचस्टिक से जलाने की कोशिश कर रहे हैं तब तो वो जलना है नहीं उसको। ठीक है, वहीं अगर मान लो मैंने उसका बुरादा बना दिया, है ना, पूरा एकदम पाउडर बना दिया उसका, और उसके बाद मैंने मैचस्टिक फेंक दिया जला के, तब तो वो जल जाएगा ना। ये एक तरह का क्या, कम्बशन रिएक्शन है ना। तो कम्बशन रिएक्शन होगा, आसानी से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने सरफेस एरिया बढ़ा रखा है। तो याद रखना सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। वहीं आप ऐसा सोच सकते हो जैसे एड देता है टीवी में, कई बार आपने एड देखा होगा कि डिस्प्रिंट वाटर में डालते के साथ ही तुरंत घुल जाता है, और अगर वो तुरंत घुल जाएगा तो फाइनली हो क्या रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो तुरंत काम करना शुरू कर देगा।
ठीक है। तो ये सारा चीज टीवी में एड आता था एक डिस्प्रिन का, हमारे टाइम में पता नहीं आजकल आता है या नहीं, तो वहां से भी आप लोग सोच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है कैटलिस्ट, है ना। तो कैटलिस्ट में बोला यह जाता है कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। एक्चुअली इस चीज को डिटेल में हम लोग आगे देखने वाले हैं, तो ये बात बट हमेशा याद रखना, कैटलिस्ट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी घटाता है। इस चीज को हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, है ना। एक्चुअली ये क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथवे जनरेट करता है। और जैसा मान लो कोई एक रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्टेंट है, ये मान लो प्रोडक्ट है, तो मान लो ये पाथवे जा रहा है ना, कोई एक पाथवे है, तो ये देखो ये एनर्जी दे रखा है, जब तक इस एनर्जी बैरियर को ये क्रॉस नहीं करेगा ना कोई रिएक्टेंट, तब तक प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो एक्चुअली क्या करता है ये कैटलिस्ट, ये जो बैरियर रहता है इसको कम कर देता है। देखो यहाँ पर कम हो गया, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या है, जितने रिएक्टेंट मान लो यहाँ पास करने चाहिए उससे कहीं ज्यादा रिएक्टेंट पास हो जाते हैं, तो ज्यादा रिएक्टेंट अगर पास हो जाएंगे तो फाइनली प्रोडक्ट का अमाउंट भी तो ज्यादा बनेगा, और इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। वैसे इस चीज को बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम लोग देखने वाले हैं, तो वहां पर और ज्यादा बढ़िया समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फिफ्थ फैक्टर पर। फिफ्थ फैक्टर हमने क्या ले रखा है, टेम्परेचर, ठीक है। इसको एक्चुअली बहुत डिटेल में पढ़ना है और इसको दो पार्ट में पढ़ना है, अप्रोक्स डिपेंडेंसी और एब्सोल्यूट डिपेंडेंसी। तो हम लोगों ने जनरली क्या देखा, मैक्सिमम ऐसे रिएक्शंस को देखा जहां पर कि हम लोग अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे उस केस में रेट इंक्रीज हो रहा है, वही लिख रखा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम रिएक्शंस रेट इंक्रीज। तो मैक्सिमम रिएक्शंस पर देखा मैंने, मैं सारे रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मान लो मैंने इंडोथर्मिक टाइप पर का रिएक्शन ले रखा है, तो इंडोथर्मिक टाइप पर का रिएक्शंस के लिए क्या हीट चाहिए, है ना। उसको अगर हीट चाहिए और हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, फाइनली हम लोग बोल सकते हैं उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हीट प्रोवाइड अगर कर रहे हैं तो रिएक्शन तो फास्ट होना बनता है। अब ये कैसे होता है, हम लोग इसको और लॉजिकली समझेंगे आगे, कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर एक अरहेनियस इक्वेशन है एक्चुअली, और ये अरहेनियस इक्वेशन बोलता है के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। यहाँ पर के जो है ये रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने ये बात पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है किसी भी का, रेट कॉन्स्टेंट के और ए टू द पावर एन, अगर मान लो कोई एन ऑर्डर पर का रिएक्शन है, ये हमने कंसेंट्रेशन डिपेंडेंसी में देख लिया था, ठीक है। अब देखो के पर अगर ये डिपेंड कर रहा और के अगर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा, तो फाइनली हम बोल सकते हैं ना रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा, बात समझ गए। अब देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से के का वैल्यू बढ़ता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, इनडायरेक्टली तो हम लोग ऐसा बोल ही सकते हैं ना। देखो इस एक्सप्रेशन से विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर के का वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रहा है ये पता नहीं चल रहा, तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए एक अल्टरनेट तरीका खोजते हैं ना। तो इसी एक्सप्रेशन को और बढ़िया तरीके से देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं के इक्वल टू ए, ठीक है। और देखो ये ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी था, अब देखो इसको अगर हम लोग डिनोमिनेटर बना दें, यहां पर देखो ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी था, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन क्या लिख सकते हैं ई टू द पावर ई ए अपॉन आर टी, ऐसा तो हम लोग लिख ही सकते हैं, है कि नहीं। अब जरा आप ध्यान देना ये वाले इक्वेशन में, ठीक है। अब मान लो आपने क्या किया है, टेम्परेचर बढ़ाया है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, ये वाला वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाते के साथ ही ये वैल्यू तो छोटा होने जाएगा। तो यहां पर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू तो छोटा हो जाएगा ना, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे ये ई अपॉन आर टी का वैल्यू उतना ही छोटा, मतलब कि। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये अपॉन आर टी का वैल्यू उतना ही छोटा हो जाएगा ना, क्या, क्योंकि टी यहां पर डिनोमिनेटर में है, करेक्ट बात है। अब देखो ये वैल्यू जितना ही छोटा हो जाएगा ई टू द पावर वो छोटा वैल्यू, तो ये भी तो एक छोटा नंबर हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू जितना ही छोटा होगा मतलब ए डिवाइडेड बाय कोई छोटा नंबर, तो फाइनली एक बड़ा नंबर, मतलब कि हमने क्या किया था कि टेम्परेचर बढ़ाया तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला, के भी बढ़ रहा है ना, के बढ़ रहा है जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया। तो यही सारा चीज एक्चुअली हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, ये इस वजह से यहां पर मैंने दिखाया है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मैक्सिमम रिएक्शंस में हमें क्या देखने को मिलेगा कि रेट जो है वहां पर इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट बात है ना।
तो यही बात लिखा है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। अब मैंने बताया था इसको दो पार्ट में देखना है, एक अप्रोक्स डिपेंडेंसी देखना है और एक एब्सोल्यूट डिपेंडेंसी देखना है, देखते हैं कैसे हो गई। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा था कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी को समझने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा अरहेनियस वाले इक्वेशन में एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को समझ लेते हैं। वैसे बहुत से लोग क्या किए होंगे क्लास 11 में इक्विलिब्रियम में ये बात पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है ना, इसको ईए से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, ईए से, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई सा रिएक्शन दे रखा है ना, रिएक्शन क्या है वहां पर ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा, या ये कहें कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा, ठीक है। अब अगर ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, आप समझो जरा, हमने इसके लिए ग्राफ बनाया, ग्राफ में हमने क्या रखा है, एक्स एक्सिस में हमने रखा है रिएक्शन प्रोग्रेस, है ना, इस साइड में रिएक्शन प्रोग्रेस हो रहा, और वहीं वाई एक्सिस में हमने क्या रखा है एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग मान लो इस रिएक्शन के प्रोग्रेस के लिए ये डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं, तो डायग्राम देखो कैसे होगा। अब मान लो रिएक्टेंट पर की एनर्जी की बात करें, तो रिएक्टेंट पर का एनर्जी, अभी मान लो रूम टेम्परेचर में मैंने रिएक्शन कराया है, तो कुछ ना कुछ तो उसके पास एनर्जी होगा, उसके मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में थोड़ी है कि एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, मतलब उनके पास कुछ एक एनर्जी है। तो मैंने रिएक्टेंट पर के लिए एक एनर्जी डिफाइन किया है, मान लो ये वाला पॉइंट, ये कुछ भी एनर्जी का वैल्यू हो सकता है जो कि रिएक्टेंट पर का एनर्जी है, ठीक है। अब इस रिएक्टेंट के बारे में आप जान लो, ये रिएक्शन तभी करेगा जब एक मिनिमम एनर्जी को ये क्रॉस करेगा, ठीक है। जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था, याद करो, मान लो कोई एक सरफेस था, वहां से कोई लाइट आता था, लाइट रे, और क्या करता था, यहां बसे इलेक्ट्रॉन पर का इजेक्शन होता था, ठीक है, कोई फोटोन आता था और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता था। तो हम लोग क्या बोलते थे कि एक जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, इजेक्ट होने के लिए मिनिमम कुछ एनर्जी चाहिए था, उस एनर्जी को हमने बोला था क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अगर मान लो उस फोटोन के पास वो थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होता था, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन वहां नहीं होता था, ऐसा बात हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था। तो सेम ही चीज हम लोग क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी एक रिएक्शन को होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर कोई मॉलिक्यूल उस एनर्जी को क्रॉस करता है तभी जाके रिएक्शन होगा, वरना रिएक्शन नहीं होगा। इस ग्राफ में तुम लोग ध्यान दो, रिएक्टेंट जो है धीरे धीरे क्या है, इसका एनर्जी हम लोग बढ़ा रहे, और एनर्जी बढ़ा के ये देखो, ये जो पिक है ना, इसको मैंने लिख दिया थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब तक ये पर्टिकुलर एनर्जी इसको नहीं मिलेगा, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आप समझ गए थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी है जो मिनिमम एनर्जी चाहिए किसी एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, और अगर इससे एनर्जी कम है रिएक्टेंट का तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या किया, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्रॉस करने के बाद, अब क्योंकि ये प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट जो है रिलेटिवली थोड़ा तो स्टेबल बनेगा ना, तो प्रोडक्ट अगर स्टेबल बनेगा तो देखो फिर से इसका एनर्जी कम होता जाएगा, और मैंने प्रोडक्ट पर का एनर्जी जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया, थ्रेशोल्ड के रेस्पेक्ट में थोड़ा कम हो गया, ठीक है। अब आप एक बात याद रखना कि रिएक्टेंट पहले कुछ एनर्जी था, अब उसको थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें जो भी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा वो होगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, यहाँ पर EAF लिखा है मैंने, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड हम लोग बोलते, मतलब कि उस मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने में हमें इतना एनर्जी लग रहा, अगर मॉलिक्यूल एक्टिवेट नहीं होगा तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, मान लो कोई एक हमारे पास एग्जांपल है जहां पर H2+I2 मिलके 2HI बन रहा है, ठीक है। अब आप समझो कि H2 स्टार्टिंग में क्या होगा, ये तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा ना, और वहीं I2 भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा क्या। अब सोचो कि जब तक ये मॉलिक्यूल का ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, इसका ये बॉन्ड जब तक नहीं टूटेगा, तो बॉन्ड क्लीवेज होगा तभी तो ये पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। बॉन्ड बनने के लिए, बॉन्ड का टूटना तो पहले जरूरी है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स में पहले बॉन्ड क्लीवेज होगा, उसके बाद ही तो वो मॉलिक्यूल्स बॉन्ड क्लीवेज होने के बाद दूसरे एटम के साथ अटैच होंगे और नए मॉलिक्यूल का फॉर्म करेंगे। तो बॉन्ड क्लीवेज होना बहुत जरूरी है, तो बॉन्ड क्लीवेज होगा या बॉन्ड फ्यूजन होगा उसके लिए हमें एनर्जी लगाना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो वही देखो, रिएक्टेंट का पहले खुद का एनर्जी ये था, हमें क्या करना पड़ा, ये इतना एनर्जी बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा।
तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्टिवेट करने के लिए कुछ एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, उसको हमने बोला एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और यहां पर एफ लगा रखा है सफिक्स में मैंने, तो एफ का मतलब होता है फॉरवर्ड। ठीक है, और देखो यहां पर नीचे में मैंने लिखा है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी से प्रोडक्ट के बीच का जो ये एनर्जी गैप है, इसको मैंने लिखा है ई ए बी। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। मान लो कोई रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट से रिएक्शन प्रोग्रेस हो रहा, रिएक्शन प्रोग्रेस होगा कोई एक पर्टिकुलर जगह पर जाएगा जो कि आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा, और उसके बाद वापस से ये नीचे आ जाएगा और यहां पर ये प्रोडक्ट होगा। मान लो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट पता चल गया, और यहां से ये जो एनर्जी हमने सप्लाई किया यही हो जाएगा ई ए एफ, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। और ये जो टॉप पीक का बात करें है ना, टॉप पीक ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना। मतलब इतना एनर्जी तो पक्का चाहिए कोई भी एक रिएक्टेंट को, इसके बिना रिएक्शन नहीं होगा। और हम जो सप्लाई करेंगे, हम कितना सप्लाई करेंगे, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है यही तो सप्लाई करेंगे, और इसी एनर्जी गैप को हमने बोला एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा ना, तो यहां पर ई ए एफ लगा दिया, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। वहीं ये जो पार्ट है इसको मैंने बोला एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड है ना, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। अब देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड क्यों का, मान लो इस रिएक्शन को मैं बैकवर्ड टाइप से ले जा रहा हूं ना, 2HI से बन रहा है H2+I2, तो सबसे पहले HI वाला जो बॉन्ड है इसको भी तो ब्रेक होना पड़ेगा, तब जाके H2 और I2 पर का फॉर्मेशन होगा। अब देखो अब ये जब ब्रेक होगा तो हमें क्या इनके बीच का जो ये एनर्जी गैप है यही तो चाहिए होगा है ना। तो ये अगर एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ये वाला एनर्जी है ना, तो ये वाला एनर्जी जैसे ही प्रोवाइड करेंगे वापस से ही यहां पर एटम के फॉर्म में आ जाएगा और बैकवर्ड ऐसे जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हमने बोला इसको एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, क्योंकि जब बैकवर्ड करेंगे तो हमें ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बात समझ गए, तो कुल मिला जुला के एक्टिवेशन एनर्जी क्या था, वो एनर्जी जो हमने सप्लाई किया उस रिएक्टेंट पर के एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। इज इट ओके? अब देखो इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर हम लोग डेल्टा एच की अगर बात करें, ठीक है, तो डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है हमेशा याद रखना ई ए एफ है ना, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस ई ए बी, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो देखो आपको ये वाला हाइट जरा ध्यान दो, ये वाला जो हाइट है ये रिलेटिवली आपको इस हाइट से ज्यादा लग रहा ना, मतलब कि ई ए एफ ज्यादा है यहाँ पर ई ए बी के रेस्पेक्ट में। तो एक बड़े नंबर से एक छोटा नंबर जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगा ये तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। और बताओ डेल्टा एच पॉजिटिव किसके लिए होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए होता है। ठीक है, तो आप जान लेना ये जो ग्राफ है ये किसके लिए ग्राफ है, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन पर के लिए ग्राफ है। बात समझ में आ गया, इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। मान लो देखो रिएक्टेंट का एनर्जी यहां पर कुछ है, ठीक है, और प्रोडक्ट पर का भी यहाँ एनर्जी है। अब जरा ध्यान से देखो कि रिएक्टेंट का एनर्जी जो है प्रोडक्ट की एनर्जी से कम है ना, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है। तो फाइनली कैसे हुआ होगा ये, हम लोग बोल सकते हैं रिएक्टेंट कुछ एनर्जी गेन किया बाहर से और गेन करने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। तो एनर्जी गेन किसमें होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो कर्व हमने ड्रॉ किया ये इंडोथर्मिक टाइप पर का रिएक्शन था। ठीक है बच्चे, अब आप नेक्स्ट ग्राफ देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और बहुत बढ़िया से समझ आएगा है ना। वाई एक्सिस में वापस से हमने एनर्जी डाला है और एक्स एक्सिस में हमने रिएक्शन प्रोग्रेस डाला है। सेम टाइप पर का ग्राफ बना रहे हैं। देखो यहां पर रिएक्टेंट पर का एनर्जी कुछ है और यहां पर प्रोडक्ट पर का एनर्जी कुछ है। ठीक है, रिएक्टेंट पर का एनर्जी मैंने कुछ बना रखा, मैंने बोला था ना रिएक्टेंट पर का एनर्जी एकदम से तो जीरो होगा नहीं, कुछ तो एनर्जी होगा, तो कुछ एनर्जी हमने बना रखा है। इस रिएक्शन को भी होने के लिए वापस से कुछ एक एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, और उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब तक आपने सीख लिया थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको बोलते हैं, हर एक रिएक्शन को होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए जिसको हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखो यहां पर इस थ्रेशोल्ड एनर्जी और रिएक्टेंट एनर्जी का बीच का ये जो एनर्जी डिफरेंस नजर आ रहा है, इस एनर्जी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, ई ए एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं पर देखो यहां पर क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी और प्रोडक्ट पर का एनर्जी, यहां पर भी एनर्जी गैप है, इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। बट ये वाला कर्व आप जरा ध्यान दे रहे हो, यहां पर रिएक्टेंट का एनर्जी से प्रोडक्ट का एनर्जी मैंने कम बना रखा है, रिलेटिवली देखो ये नीचे है
है ना, तो कम बना रखा है, तो इस केस में लग क्या रहा है कि रिएक्टेंट अपना कुछ एनर्जी निकाला होगा, और निकालने वाले इस तरह पर के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसको फॉर्मूला से देखो, तो मैंने क्या बोला था, डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच होगा ई ए एफ माइनस ई ए बी, है कि नहीं। अब देखो ई ए एफ की अगर बात करें तो देखो यहां पर ई ए एफ, देखो ये हाइट, देखो ये हाइट आपको छोटा लग रहा ना और ये हाइट बड़ा लग रहा, मतलब कि एक छोटे नंबर से एक बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट करोगे तो फाइनल वैल्यू आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कहीं पर डेल्टा एच नेगेटिव होगा, मतलब ये एक्सोथर्मिक टाइप पर का रिएक्शन है। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है बच्चे, क्लियर है ना ये।